हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। तो शुरू करते हैं फिर आज का ब्लॉग। तो फिलहाल मैं ब्लॉग की शुरुआत सुबह से कर रहा हूँ, मतलब दिन के टाइम से। अभी गाय के साथ ही हूँ मेरा, मतलब मैंने वही सोचा था कि घर जाऊँगा फिर मतलब घर जाके ब्लॉग की शुरुआत करूँगा, पर रोज़ बारिश आ जा रही है और वैसे भी मेरे को कुछ दिखाना था यहाँ पर, इसलिए मैंने अभी ब्लॉग की शुरुआत करी। तो ये दिखा रहा था मैं आपको, एक किनगोड़े देखो कितने बड़े बड़े हो गए, अब बहुत ही जल्द पकने वाले हैं। यहाँ पे तो छोटे छोटे दिख रहे हैं, यहाँ पे देखो कितने बड़े हो रखे हैं। कुछ तो ये लाल लाल होने भी लग गए। एक बार बहुत पहले दिखाए थे मैंने आपको, मतलब कुछ दिनों पहले, तो उस वक्त पीले हो रखे थे ना। आप देखो कितने बड़े बड़े दाने हो गए इन पे। हिसोले तो पकने भी लग गए, कितने मस्त लग रहे इतने बड़े बड़े दाने। अब ये हल्के हल्के से लाल हो रहे, देखो कांटे भी होते हैं इन पे। एक तो ये देखो ये लाल हो गया ना बिल्कुल। ऐसे ही जब ये पूरे लाल हो जाएंगे तब जाके खा सकते हैं, मतलब इनको। अभी तो फिलहाल ये हरे हरे हो रखे हैं, कड़वे होते हैं ऐसे खाओगे तो, पर जब ये पूरे लाल हो जाएंगे मस्त मज़ा आता है इनको खाने में। हिसोले पक गए, अभी घर जाते टाइम दिखाऊंगा अगर याद आ जाएगा तो। फिलहाल मैं गाय लेके घर चलता हूँ, टाइम मतलब होने वाला है थोड़ी देर में, तो गाय लेके चलते हैं घर। और ये देखो क्या है यहाँ पे, ये पत्थर जैसे चूँ, पर ये वैसे ही इनको खाते नहीं है, वरना कुछ चूँ ऐसे होते हैं जिसको खाते हैं, मतलब पहाड़ी सब्जी होती है ये तो ऐसे ही होते हैं छतरी जैसे, बहुत सारे देख लो यहाँ पे। ये कुछ काम की नहीं है ये, बस ऐसे ही दिखाने के लिए, इनको कोई नहीं खाता, ऐसे छतरी टाइप के होते हैं। देखो बारिश आएगी तो इसके नीचे जाना है, बहुत सारे हैं यहाँ पे, पर ये किसी काम के नहीं होते, इनको बस ऐसे फोड़ना होता है और कोई काम नहीं होता इनका। बाकी अगर मिलेगा मेरे को पुड़पुड़ा, आजकल तो पता नहीं होता नहीं होता, तो उसको खाते हैं, मतलब अगर मिलेगी मेरे को ऐसी सब्जी इसको खाते होंगे तो फिर दिखाऊंगा। बाकी ये तो ऐसे ही होते हैं, बहुत सारे होंगे इधर। ये देखो कितनी बड़ी छतरी है, ये तो इससे भी बड़े बड़े होते हैं, ये तो नॉर्मल ही है ये देखो। तो अभी हम भैंस और भेड़ चल रही है, बैलों को ऊपर से रेखा भाभी लेकर आ रही है, मैं इनको लेकर चलता हूँ घर की तरफ। और बारिश का मौसम हो गया फिर से यार, सुबह से धूप लगी हुई थी, सबने सोचा मौसम ठीक हो गया, पर वैसे ही मौसम हो गया। सीधा घर ले जाता हूँ, नहलाना तो है नहीं बारिश के मौसम में, तो इनको घर ले जाते हैं पहले। यहाँ पे हो रखे हैं देखो बड़े बड़े वाले, वहाँ पे छोटे छोटे से किनगोड़े थे, यहाँ पे देखो कितने मस्त लग रहे हैं इतने बड़े बड़े। एक भाई ये पक जाएंगे ना, मज़ा आएगा इनको खाने में, मस्त लग रहे हैं पूरा। इनका तो सही होता है, हिसोले तो एक एक करके निकालने पड़ते हैं, फिर इसको यहाँ ऐसे नीचे से तोड़ो और पूरा खा लो, जब पक जाएंगे ना तब लगेंगे मस्त, फिर दिखाऊंगा मैं आपको। अब मैं दिखाता हूँ आपको हिसोले, यहाँ पे है बहुत सारे हिसोले, अभी पूरी लाइन लगी है वहाँ तक, अभी तो पके नहीं यहाँ पे शायद। वैसे मैं रास्ते में खाते आ रहा था, थोड़े बहुत एक दो ही पके हैं हल्के हल्के, पर मुझे पता था यहाँ पे ज़रूर होंगे इसलिए खाते आ रहा था मैं। ये देख लो क्या मस्त पक गए, अभी थोड़े बहुत ही पके हैं ना, अभी तो शुरुआत हुई है, जब पूरे पक जाएंगे पूरा, जब पूरे हो जाएंगे ना पूरा पेड़ ऐसे लगेगा लाल बिल्कुल एकदम, अभी तो थोड़े बहुत ही हो रखे हैं एकदम। ये देखो तुम, ये देखो कितने मस्त लग रहे हैं, अभी तो थोड़े से ही हैं, जब पूरे पक जाएंगे ना पूरा पूरे पेड़ में लाल ही लाल, वहाँ से लेके यहाँ तक हिसोले के ही पेड़ है, सारे मस्त लगे एकदम, देखो जरा। फिलहाल तो शाम का टाइम हो चुका है और बड़ी मुश्किल से अभी बारिश रुकी हुई है थोड़ी देर पहले, मतलब दिन भर बारिश लगी हुई थी सुबह से, जब मैं गाय के साथ से वापस आया घर में तो तब से बारिश लगी हुई है, और अब जाके बारिश रुकी हुई है, मतलब हल्की फुल्की भी नहीं आ रही और मस्त धूप लगी हुई है। देखो मस्त धूप लगी हुई है, बादल भी हल्के फुल्के दिख रहे, पर वैसे ही बादल है, मतलब बारिश का वो नहीं है, वैसे कुछ पता है नहीं कभी इधर से बारिश आ सकती है, पर फिलहाल तो लग नहीं रहा, ऐसा मस्त धूप लगी हुई है उसकी वजह से मौसम भी एकदम मस्त हो रखा है, बादल दिख रहे हैं जगह जगह पे, मस्त लग रहा है मौसम। और धूप लगी हुई है तो आज हम गाय भी बाहर निकालेंगे, मतलब दो दिन से नहीं निकाल रहे थे ना बारिश की वजह से, तो आज बाहर निकालता हूँ मैं पहले भेड़ों को और फिर गाय के साथ चलते हैं। तो गाय यहीं पे छोड़ के मैं जा रहा हूँ घर, क्योंकि मम्मी का फ़ोन आया था कि मेरे को मंदिर भी जाना है और वहाँ और कुछ काम भी है शायद, तो मैं घर जा रहा हूँ
और मम्मी आ रही है गाय के साथ। तो फिलहाल मैं आ गया मंदिर में और दो और है मेरे साथ, आंसू और गोलू, ये दोनों भी आ रखे हैं। आज मैं थोड़ा जल्दी आ गया क्योंकि यहाँ साफ सफाई करनी है ढंग से, और हैं आज यहाँ ढंग से साफ सफाई करनी है, उसके बाद धूप बत्ती करके फिर चले जाएंगे। और कल तो ज़्यादा ही लेट हो गई थी इसकी वजह से मैं आज जल्दी आ गया। तो पहले सफाई करते हैं फटाफट से, उसके बाद चलते हैं घर। तो अभी हमने पूरी सफाई कर लिया, अंदर भी झाड़ू मार दिया, इधर बाहर भी झाड़ू मार दिया, और अब टाइम थोड़ा है, मतलब अंधेरा होने ही वाला है, तो टाइम हो गया। अभी हम फटाफट से धूप बत्ती करते हैं यहाँ पे, उसके बाद चलते हैं घर की तरफ। तो अभी जा रहा हूँ मैं घर की तरफ और अकेला ही हूँ मैं, क्योंकि गोलू और आंसू ताऊ जी के साथ चले गए स्कूटी में और मैं आ गया ऐसे ही पैदल। तो घर चलते हैं फटाफट से और फिर व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो फिलहाल हमारी रोटी भी बनने वाली है और सब्जी भी बन चुकी है, और आज मम्मी दादी और मैं ही हूँ घर पे। साक्षी तो वहाँ से आई नहीं, वहाँ से मंजू दीदी के घर से, पापा भी नहीं आज घर पे। तो अभी फ़िलहाल हम तीनों ही हैं, इसलिए हमने फटाफट से सब्जी रोटी बना दी। तो इसके बाद अब खाना खाते हैं। व्लॉग भी मैंने आधा पूरा एडिट कर दिया, अब बस यही जो अभी क्लिप रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, इसको लगाना बाकी है, उसके बाद पूरा व्लॉग भी एडिट हो जाएगा। तो व्लॉग को भी हम यहीं पे एंड करते हैं। तो होप आप सभी को आज की वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और ऐसी डेली व्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।